हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ रीजनिंग में। इट्स मी संजय सिंह, योर रीजनिंग एडुकेटर। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं सभी को सेशन शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RRB PO मेंस जो आपका 25 सितंबर 2021 को हुआ था, उसमें एक पज़ल पूछी गई थी, डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल। ये एग्जैक्ट वही पज़ल है जो आपके पेपर में आई थी। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो RRB PO मेंस होता है इसका लेवल एज़ कम्पेयर टू SBI PO एंड IBPS PO मेंस की तुलना में कम होता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम निकला और सिलेक्शन हुआ ऑलमोस्ट सभी बच्चों के 30+ स्कोर थे। तो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी पेपर शायद वही रहे, लेवल बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी तैयारी एकदम मजबूत रखिएगा, हाई लेवल के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो चलिए पजल की शुरुआत करते हैं। पहला पोर्शन आपके लिए है इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से कीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ पजल को। सभी का ध्यान स्क्रीन के ऊपर रखिएगा, मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, सभी स्क्रीन की तरफ बड़े ध्यान से सुनिएगा, सो दैट आपका कोई पॉइंट मिस ना हो और आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। देखिएगा क्या बोला आपको, 8 पर्सन हैं, ABCDEFGH। ओके, कंपनी में काम करते हैं डिफरेंट ग्रेड पोजिशन में, आपको अलग अलग ग्रेड पोजिशन दे रखी है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, PO एंड क्लर्क। ओके, दे लाइक डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवर इन्हें पसंद है, कैंगरू, इगुआना, हेना, पुमा, जिराफ, फॉक्स, लायन एंड जगुआर। ओके, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, आगे क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोट। ध्यान रखिएगा, चाहे क्वांट की बात हो चाहे रीजनिंग की बात हो, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट किसी भी क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। क्या बोला आपको, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो CFO क्या है वो हाइएस्ट डेजिग्नेटेड पोस्ट है, जबकि कलर क्या है, लोअर डेजिग्नेशन पोस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज कर सकते हैं, CFO मेरा टॉप पर चला जाएगा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। देन वी हैव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, देन वी हैव मैनेजर, देन वी हैव असिस्टेंट मैनेजर, PO एंड क्लर्क। यह मैं बोला गया है, ध्यान रखिएगा कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे पजल का, खास तौर पे एटलीस्ट दो आपको केस ज़रूर बनाने हैं। किसी किसी क्वेश्चन में दो से ज़्यादा केस बनाने की जरूरत भी पड़ सकती है, बट सिंगल केस में करने का प्रयास मत कीजिएगा, खास तौर पे मेंस में फंसेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, देखिएगा, यहाँ वेरिएबल आ जाएगा आपका, देन एनिमल्स, वेरिएबल, देन एनिमल्स। ओके, क्या बोला गया, ए इज जूनियर टू द वन हु इज असिस्टेंट मैनेजर। ए उस व्यक्ति से जूनियर है जो असिस्टेंट मैनेजर है। ओके जी, तो ए के लिए दो जगह है, ए या तो PO होगा, ए या तो क्लर्क होगा। ओके, आगे ओनली वन पर्सन होल्ड्स अ पोजिशन बिटवीन ए एंड द वन लाइक पूमा। ए और जिस व्यक्ति को पूमा पसंद है उसके बीच में व्यक्ति है, तो पूमा वाला मेरे यहाँ पर आ जाएगा भाई, और पूमा वाला मेरे यहाँ पर आ जाएगा, राइट। देन एज मैनी पर्सन जूनियर टू ए एज सीनियर टू एफ, जितने व्यक्ति ए से जूनियर है उतने ही व्यक्ति एफ से सीनियर है। तो ए से जूनियर एक व्यक्ति, एफ से सीनियर एक व्यक्ति, ए से जूनियर कोई नहीं है तो एफ से सीनियर भी कोई नहीं होगा। ठीक है जी, नॉर्मल सी कंडीशन थी, है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। आगे आगे क्या बोलता है, हमें ओनली वन पर्सन होल्ड अ पोजिशन बिटवीन एफ एंड द वन लैक्स लॉयन। एफ और जिस व्यक्ति को लॉयन पसंद है उसके बीच में व्यक्ति है, तो एफ अगर यहाँ पर एक छोड़ के लाइन यहाँ पर आएगा, एफ यहाँ पर एक छोड़ के लाइन आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, ओके, आगे क्या बोलता है, सी इज इमिजिएटली जूनियर टू द वन हु लैक फॉक्स, जिसे फॉक्स पसंद है सी उससे तुरंत जूनियर है, मतलब फॉक्स वाला उससे तुरंत सीनियर होगा। अब फॉक्स और सी कहाँ पर आएगा अभी हमें नहीं पता, फॉक्स और सी यहाँ पर आ सकता है, फॉक्स और सी यहाँ पर आ सकता है, फॉक्स और सी यहाँ पर आ सकता है, इस वाले केस में भी फॉक्स और सी, फॉक्स और सी, बहुत सारी जगह अभी कन्फर्मेशन नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोलता है, ओनली थ्री पर्सन होल्ड द पोजिशन बिटवीन ए एंड द वन लाइक फॉक्स। ए और जिस व्यक्ति को फॉक्स पसंद है उसके बीच में तीन लोग हैं, तो एक दो तीन छोड़ के फॉक्स मेरे यहाँ पर आ जाएगा, फॉक्स अगर यहाँ आ जाएगा नीचे तुरंत सी आ जाएगा हमारा,
एक दो तीन छोड़ के फॉक्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा, फॉक्स अगर यहाँ पर तुरंत नीचे सी आ जाएगा। ठीक है जी, आगे आगे देखिएगा क्या बोला आपको। द नंबर पर्सन होल्ड द पोजिशन बिटवीन एफ एंड फॉक्स, जितने व्यक्ति एफ और फॉक्स के बीच में है उतने ही सेम व्यक्ति किसके बीच में है, आपके सी और बी के बीच में। अगर सी और बी के बीच में एक्स नंबर ऑफ पर्सन है तो एफ और फॉक्स के बीच में भी एक्स नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। ठीक है जी, एफ और फॉक्स के बीच में कोई नहीं है तो सी और बी के बीच में भी हो सकता है बी यहाँ पर आए या तो बी यहाँ पर है। एफ और फॉक्स के बीच में दो लोग हैं तो सी और बी के बीच में भी दो लोग आएंगे, नीचे तो बी आ नहीं सकता, दो छोड़ के बी मेरे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या बोलता है, नो वन होल्ड द पोजिशन बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कोई भी व्यक्ति पोजिशन होल्ड नहीं करता है, तो बी अगर यहाँ पर डी यहाँ पर आ जाएगा। इस वाले केस में अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो डी नहीं आ पाएगा, तो नीचे वाले बी को लेना पड़ेगा, डी मेरा यहाँ पर आ जाएगा, तो ऊपर वाला बी किसी काम का नहीं है, उसको हम रेस कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हमारी होगी, एफ और फॉक्स के बीच में जितने लोग हैं उतने सी और बी के बीच में। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। ओके, आगे बोलता है ई इज इमीडिएटली जूनियर टू द वन हु लाइक्स जिराफ, जिसे जिराफ पसंद है ई उससे तुरंत जूनियर है। ठीक है जी, आगे क्या बोलता है, एच इज जूनियर टू ई, एच जो है ई से जूनियर है, इट कैन बी इमीजिएट ऑल्सो बट वी डोंट नो, उससे जूनियर है तो एक छोड़ के दो छोड़ के भी हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है। एच इज जूनियर टू ई बट सीनियर टू द वन हु लाइक्स इगुआना, जो एच है इगुआना वाले से सीनियर है, अब वो तुरंत भी हो सकता है, एक छोड़ के दो छोड़ के कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखिएगा अबव मतलब ऊपर कहीं भी, तुरंत भी, एक छोड़ के दो छोड़ के तीन छोड़ के, सेम बिलो मतलब नीचे नीचे कहीं भी, एक छोड़ के दो छोड़ के या तुरंत कुछ भी, इमीजिएट का मतलब तुरंत, या तो तुरंत ऊपर तुरंत नीचे जो भी दिया हो। ठीक है, आगे लेस देन टू पर्सन होल्ड द पोजिशन बिटवीन जी एंड हु लाइक्स जगुआर, जी और जिस व्यक्ति का जगुआर पसंद है उसके बीच में दो से कम व्यक्ति हैं, दो से कम व्यक्ति मतलब या तो कोई नहीं होगा जीरो या तो एक व्यक्ति होगा। ठीक है जी, आगे एच को कैंगारू पसंद नहीं, तो एच को कैंगारू पसंद हमारा नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? देखिएगा जिराफ के नीचे ई है, ई के नीचे एच है, एच के नीचे इगुआना है, भाई जिराफ यहाँ आ नहीं सकता, जिराफ यहाँ आएगा ई आ जाएगा एच नहीं आएगा, जिराफ के नीचे ई नहीं आ पाएगा, जिराफ के नीचे ई नहीं आएगा, जिराफ को यहाँ रख सकते हैं इस वाले केस में, और कोई जगह तो दिख नहीं रही, ई यहाँ पर आ गया, ई के नीचे एच आ गया, बट एच के नीचे मेरा इगुआना नहीं आ पाएगा, दैट्स व्हाई पहला केस मेरा एलिमिनेट हो गया। यहाँ तक क्लियर अभी? इस वाले केस में जिराफ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, अगर जिराफ को मैं यहाँ रखता हूँ देखिएगा जिराफ के तुरंत नीचे ई आ जाएगा भैया, उसके अलावा कोई जगह दिख नहीं रही, जिराफ को रखोगे ई नहीं आएगा, जिराफ को रखोगे ई नहीं आएगा, केवल एक ही जगह मिल रही है, ई के नीचे कौन था एच, एच के नीचे कौन था इगुआना, इगुआना मेरे यहाँ पर आ गया, एक व्यक्ति कौन बच गया हमारा, बच गया जी, जी मेरे यहाँ पर आ गया। आपको बोला था जी और जगुआर के बीच में या तो कोई भी नहीं है या तो एक व्यक्ति है, तो जगुआर मेरे यहाँ पे आ नहीं पाएगा क्योंकि दो लोग हो जाएंगे, जगुआर मेरे टॉप पर आ नहीं पाएगा क्योंकि दो लोग हो जाएंगे, तो जगुआर को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोला था जी और जगुआर के बीच में या तो एक व्यक्ति है या तो कोई नहीं, यहाँ पे देखोगे केवल एक व्यक्ति आ रहा है आपका, केवल एक ही व्यक्ति आ रहा है। ठीक है जी, आगे आपको बोला था एच को कैंगरू पसंद नहीं, तो कैंगरू आपका टॉप पर आ जाएगा जो कंगारू है, राइट। लास्ट में कौन बच गया आपका, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, हेना, हेना रह गया ना, हेना आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये पजल आपसे पूछी गई थी, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, आपके आरआरबी पीओ मेंस जो पिछले साल हुआ था, डूएबल थी, काफ़ी बच्चों ने पेपर में 30+ अटेम्प्ट किया, तो द मेन थिंग इज पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट था कि आप कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सबको पजल समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से तीन और पजल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये पजल आज हो गई, इसके बाद आपकी और जो तीन और पजल पूछी गई थी वो भी आप लोगों के साथ मैं करने वाला हूँ। मंथ बेस्ड पजल थी, एक अनसर्टेन थी, एक आपकी फ्लैट एंड फ्लोर थी। ठीक है, तो इस पजल को आप लोग सभी ट्राई कीजिएगा। दो क्वेश्चन इस पजल के मैं आपको दे रहा हूँ, एक है हाउ मेनी पर्सन होल्ड द पोजिशन बिटवीन बी एंड द वन लाइक्स जिराफ, बी और जिस व्यक्ति को जिराफ पसंद है उसके बीच में कितने लोगों की पोजिशन है, और हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर्क एज अ पीओ, कौन सा व्यक्ति पीओ के तौर पर काम कर रहा है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और सेशन कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार, ध्यान रखिए अपना और फैमिली का, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क, मेहनत करते रहिए, अपने पर भरोसा रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा सभी।